मित्रों, तप से तेज की उत्पत्ति होती है। ये बात सतयुग में जितनी सार्थक थी उतनी ही आज भी सार्थक है। साधना के साथ जो संयम और नियम के कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो तप के ही साधन हैं, जिनसे प्राण ऊर्जा रूपी ओज और तेज को संग्रह करने की योग्यता विकसित होती है। साधना से ही सिद्धि की उक्ति सार्थक सिद्ध होती है, किंतु समर्पित साधकों को छोड़कर सामान्य मनुष्यों का तेज नाना प्रकार से नाश होता रहता है। तेज की अपनी एक विशिष्ट महिमा है। जो मनुष्य तपस्वी होता है वो अजेय होता है। तप की पूंजी सभी पूंजियों से बड़ी है, इसलिए प्राचीन काल में जब भी कोई विपत्ति आती थी ऋषि मुनि तप करते थे। जब किसी देव या दानव को शक्ति सिद्ध या वरदान की आवश्यकता होती थी तो वो तप किया करते थे। तप के प्रभाव से ही महर्षि दधीच अपनी अस्थियों से वज्र जैसा दिव्यास्त्र बनाने में सक्षम हुए। तप के प्रभाव से ही भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए विवश कर दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, जो तप की महत्ता को सहज ही बताते हैं। कोई भी मनुष्य इस तप तेज की पूंजी को संचित करके अपनी महिमा को बढ़ा सकता है और इसे विनष्ट करके अपने ही विनाश का कारण बन सकता है। शरीर में ये तप का तेज ही ओज के रूप में परिलक्षित होता है, जिससे आंखों में ओज, चेहरे पर तेज, वाणी में माधुर्य और प्रभाव, इंद्रियों में क्रियाशीलता, मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, धैर्य, साहस, निर्भयता आदि गुण परिलक्षित होते हैं। लेकिन जब इस तप तेज रूपी पूंजी का नाश होता है तो इंसान अन्य सभी प्रकार से धनवान होते हुए भी निर्धन और कंगाल हो जाता है। अब चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में जम्भासुर नामक दुष्ट और पराक्रमी दैत्य ने प्रचंड तप करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जिससे उसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया। त्राही त्राही करते हुए सभी देवगण गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। गुरु बृहस्पति समस्त देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, किसी उपाय से जाम्भासुर को मेरे पास ले आओ। देवता जाम्भासुर के पास पहुंचे और फिर से उसे युद्ध के लिए चेतावनी दी। जैसे ही जाम्भासुर आक्रमण किया, देवता भागते दौड़ते भगवान विष्णु जी के पास आ गए। जाम्भासुर भी देवताओं के पीछे पीछे भगवान विष्णु तक पहुंच गया। पास में ही बैठी लक्ष्मी जी के रूप, सौंदर्य और वैभव को देखकर जाम्भासुर लक्ष्मी जी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। देवताओं से युद्ध छोड़कर वो लक्ष्मी जी का हरण करके चलता बना। भगवान विष्णु ये सब देखते रहे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की ओर संकेत किया और उन्होंने देवताओं से कहा, अब प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, अब इस पर आक्रमण करो, निश्चय ही जीत देवताओं की होगी और ये दुष्ट दैत्य मारा जाएगा। देवता आश्चर्य से गुरु बृहस्पति की ओर देखने लगे और बोले, इतनी बार आक्रमण किया तब तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और अब जब वो लक्ष्मी जी को भी उठा ले गया तो हम उसका साहस और भी बढ़ जाएगा, अब उसे हराना असंभव होगा। तब देव गुरु बृहस्पति मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन अब नारी पर कुदृष्टि डालने के कारण उसका पूर्व संचित तप नष्ट हो गया है, अब इसे हराना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर देवताओं ने फिर से जम्भासुर पर आक्रमण किया और उसे परास्त ही नहीं किया बल्कि यमपुरी भी भेज दिया। मित्रों, इस कहानी से सबसे अहम शिक्षा यही मिलती है कि पर नारी पर कुदृष्टि डालना अपनी ही तप पूंजी को विनष्ट करना है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य ही तेज के संरक्षण का सबसे सार्थक और उचित उपाय है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तप कहा गया है, इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक साधना के साथ ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। हरिओम तत्सत। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।